नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट लेकर के आपके पास आया हूं। वैसे तो लगातार चुनाव से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के आता था, लेकिन इस बार की खबर आपके लिए इसलिए बड़ी है क्योंकि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं अब वो दिन बहुत नजदीक आने वाले हैं। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों को लेकर के लगातार कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस बात की जानकारी आप तक मिल जानी चाहिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना चाहिए। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 अगस्त को एक पत्र भेजा है और ये पत्र साफ तौर पर राज्य में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि 10 चरणों में बिहार में चुनाव होगा। हालांकि ये बातें पहले से भी होती आई है कि बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव होगा और अब उस चुनाव की तारीखों पर जल्द ही उसका ऐलान हो सकता है, उस पर मुहर लग सकती है। ये तस्वीरें देखिए, दरअसल ये तस्वीरें वही है, वही पत्र है जिसे राज्य निर्वाचन आयोग ने लिखा है और इस पर अब अनुमोदन की दरकार है, यानी कि जल्द से जल्द जैसे ही अनुमोदित किया जाता है उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर के जो कवायद लगाई जा रही है, और हम बार बार ये कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से डीटीवी भारत के सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि 15 अगस्त के बाद राज्य में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है, और ऐसे में अब उस तारीखों पर मुहर बहुत जल्द लग सकती है क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है और साथ ही साथ जो पत्र सामने आया है, इस पत्र में 20 अगस्त को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की बातें बताई गई हैं। और ये पत्र राज्य निर्वाचन आयोग ने सचिव को भेजा है और सचिव पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजा है। इस पत्र में ग्राम कचहरी के आम चुनाव हेतु अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कुल 10 तारीखों का ऐलान किया गया है, जिसमें से जो 10 चरणों में चुनाव होंगे उसमें से पहला जो तारीख होगा वो होगा 20 सितंबर, 24 सितंबर को दूसरा, 4 अक्टूबर को तीसरा, 6 अक्टूबर को इसके अलावा चौथा, पांचवा जो होगा वो 18 अक्टूबर को होगा, छठा मतदान की प्रक्रिया जो होंगी वो 22 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को आगे, और फिर उसके अलावा 7 नवंबर, 15 नवंबर, 25 नवंबर को मतदान संपन्न कराने का उल्लेख किया गया है और इस पत्र में पूरी जानकारी दी गई है। अब जैसे ही ये पत्र पंचायती राज विभाग के तरफ से इसे पास कराने की बात की गई है, यानी कि जैसे ही अनुमोदित हो जाता है ये पत्र, उसके बाद जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान बिहार में हो जाएगा और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जिसका इंतजार कोरोना के काल कहें या फिर बाढ़ की विपदा के बीच, हालांकि अभी भी बिहार में बाढ़ की विभीषिका है, लगभग राज्य के 20 से अधिक ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, और ऐसे में ये भी बार बार कहा गया है कि जब बाढ़ की विभीषिका जब तक खत्म नहीं होगी तब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो सकता है। और ऐसे में अगर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पत्र भेजे गए हैं और इस पत्र के साथ साथ अगर पंचायती राज विभाग उसे अनुमोदित नहीं करता है या किसी भी तरीके की कोई बातें एक साथ नहीं बन पाती है, विचार नहीं मिल पाता है, तो फिर चुनाव के तारीखों के ऐलान में वक्त बढ़ सकता है। लेकिन साफ तौर पर ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 20 अगस्त तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि जो रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से भेजा जाता है, जो पत्र राज्य निर्वाचन आयोग अनुमोदित करके भेजती है, लगभग उसमें किसी भी तरीके की समस्याएं नहीं दिखती है, क्योंकि पूरी स्थितियों पर समीक्षा के बाद भी राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पत्र भेजता है। और ऐसे में अब चुनाव को कराने के लिए पत्र भेजा जा चुका है, जैसे ही ये बातें सामने आती है, जैसे ही ये पत्र पर अनुमोदित होने के बाद पूरी तरीके से जब ये आदेश मिल जाता है, उसके बाद राज्य निर्वाचन जल्द ही चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है। और इसके लिए बजाबते आपको भी आगे की तैयारियों में जुट जाना होगा, क्योंकि हम लगातार आपके साथ जुटे हुए हैं। और आप इसके साथ साथ आपको ये भी बातें बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, ईवीएम पूरे जिलों को पहुंचा दिया गया है, जिसकी अब प्रारंभिक जांच शुरू हो गई है। साथ ही साथ किस ईवीएम में किस प्रत्याशी के लिए किस रंग के कागज का इस्तेमाल करना है ये भी बातें पूर्ण रूप से बन गई है। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से एक पत्र मांगा है, और उस पत्र में क्योंकि जो भी कागजों की छपाई होने वाली है, जो भी प्रत्याशियों के छपाई होने वाली है, इसके साथ साथ जो पत्र बनने वाले हैं, जो लेटर बनेगा पूरे प्रत्याशियों के नाम का, इसके साथ साथ दो पदों पर, पंच और सरपंच के पदों पर जो वोटिंग होनी है और उसके लिए जो बैलेट पेपर छपेगा वो सब कुछ जिला स्तर पर ही छपेगा, तो किस प्रेस से वो पत्र छपना है
उसकी गुप्त सूचना के साथ साथ जानकारी देने की बात की गई और सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ साथ किस प्रत्याशी को क्या करना है, किस तरीके की असावधानियां अगर बरतेंगे तो आपकी जो उम्मीदवारी होगी वो रद्द की जाएंगी, इन सारी बातों की जानकारी आपको हम लगातार देते आए हैं। आगे भी चुनाव से जुड़ी सभी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है और सबसे पहले पूरी प्रमुखता के साथ, सटीकता के साथ हम आप तक खबरें लेकर के आते हैं, इसलिए आप देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।